और ये काफी बड़ा इलाका है, कई जगह अतिक्रमण भी किया हुआ था, कई जगह से जो दीवारें हैं खुली हुई हैं, आप देखिएगा कई गेट हैं, रात भर खुला रहता, तो सुरक्षा दृष्टिकोण से इसको देखते हुए और सुरक्षित किया जाएगा। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोग यहाँ बनाने का काम जो है शुरू कर रहे हैं, ताकि ये एकदम बीच में है पटना सिटी के। बीजेपी तो नकारात्मक लोग है ना, भाई सुन लीजिए, एक सवाल में जवाब दे दे। तेजस्वी यादव इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं, चर्चा में हैं। कभी तेजस्वी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं तो कभी कामों को लेकर, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव के औचक निरीक्षण की हो रही है, अस्पतालों में छापे की हो रही है, क्योंकि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग अस्पतालों का अचानक दौरा करते हैं और खामियां देखकर भड़क जाते हैं और इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती है। लेकिन कल देर शाम तेजस्वी यादव पटना से सटे पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने रक्त केंद्र का उद्घाटन किया। तस्वीरें चाहेंगे देखिए आप, ये तस्वीर जो है पटना सिटी की तस्वीर है, जहां पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो है वो गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में रक्त केंद्र का उद्घाटन किया है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो है उसी अस्पताल में जो है SNCU का उद्घाटन भी जो है वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों ही हुआ है। ये तस्वीर आपको हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं टुडे बिहार न्यूज पर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए तेजस्वी यादव जब कहीं किसी अस्पताल में जाते हैं तो आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं कि कैसे तमाम चीज़ों को जो है वो बारीकी से देख रहे हैं, और तेजस्वी यादव के साथ जो है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आपको नजर आ रहे होंगे प्रत्यय अमृत, और तमाम चीज़ों को लेकर वो खुद जानकारियाँ ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि एक विभाग का मंत्री जो है वो अगर जाता है कहीं किसी क्षेत्र में और तमाम चीज़ों की जानकारियां जो है वो इकट्ठा करता है, और साथ ही साथ उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है अगर जहां कहीं कुछ गलत दिखता है तो। ये तेजस्वी यादव की तस्वीर बता रही है कि ये बदलते बिहार की तस्वीर है, और ये तस्वीर बता रही है कि तेजस्वी यादव का एक्शन आगे भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच पटना के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल से ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी प्रहार किया है, जरा सुनिए तेजस्वी यादव को। सागर है कि जो हॉस्पिटल का कायाकल्प कर रहे हैं, मिशन परिवर्तन साफ दिख रहा है, पीछे की हम लोग आज आने का मौका मिला है, और आप जान रहे हैं नया अस्पताल जो है बनना उसका शिलान्यास हुआ है, साथ ही साथ जो ब्लड बैंक है उसकी भी शुरुआत की गई है, और न्यू बॉर्न बेबी का केयर यूनिट जो है उसकी भी शुरुआत की गई है, और यहाँ जो नर्सेज वगैरह थे उनके हॉस्टल का भी निर्माण कार्य हम लोग जो है शुरू करवाएंगे। तो मिशन परिवर्तन के तहत ये सारा काम जो है हो रहा है, और ये काफ़ी बड़ा इलाका है, कई जगह अतिक्रमण भी किया हुआ था, कई जगह से जो दीवारें हैं खुली हुई हैं, आप देखिएगा कई गेट हैं, रात भर खुला रहता, तो सुरक्षा दृष्टिकोण से इसको देखते हुए और सुरक्षित किया जाएगा, और साथ ही साथ जो खुले इलाके हैं वहाँ पार्क वगैरह और ग्रीन एरिया में हम सब लोग जो है डेवलप करेंगे। तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोग यहाँ बनाने का काम जो है शुरू कर रहे हैं, ताकि ये एकदम बीच में है पटना सिटी के, चारों ओर से लोग जो है यहाँ आते हैं इलाज के लिए, और जब पर्व त्यौहार होता है संख्या श्रद्धालुओं की गुरुद्वारा की वजह से बहुत लोग बाहर के भी आते हैं, तो एक उस हिसाब का मॉडल अस्पताल हम लोग डेवलप करें, ताकि किसी को भी इलाज में दिक्कत ना हो। तो इसीलिए आज फिजिकली रूप से एक बार समीक्षा करने हम यहाँ आए। बीजेपी बोल रही है कि आंदोलन करेंगे हम लोग, 11-12 निकाला गया उसको कोर्ट में, क्या बीजेपी के द्वारा बोला गया है जो शिक्षा की बहाली निकाली गई है उसका मतलब जो है
बीजेपी तो नकारात्मक लोग है ना भाई, सुन लीजिए, एक सवाल में जवाब दे दे दीजिए। अरे भाई पहले इनको जवाब, आपको कोई परेशानी लिखित में दे दीजिए, है ना भाई, बोल लेने दीजिए। अरे भाई आप बोलने तो दो। पहली बात, भाजपा नकारात्मक पार्टी है। भाजपा वाले लोगों को लोगों की चिंता नहीं है, ना अस्पताल की चिंता है, ना स्कूल की चिंता है, ना कॉलेज की चिंता है, ना लोगों को नौकरी मिले इसकी चिंता है। अगर चिंता होती तो 18 साल में डबल इंजन की सरकार रही, 10 साल जिसमें 18 साल तो राज में रहे और 10 साल डबल इंजन, तो परिवर्तन होता कि नहीं होता। और इस विभाग के मंत्री भी तो भाजपा के ही थे, उन्होंने क्या किया? और आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का प्रयास है कि डॉक्टर सुनिश्चित हो, इसलिए बायोमेट्रिक की चीज़ें भी हम लोगों ने लगाया। नहीं तो पहले तो कभी इसकी शुरुआत जो है लोग करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाता था। हम लोग रह करके इस चीज़ को भी करवाए हैं। और आपको पता है एक दिन एक साथ जो है जो लोग 6 महीने से गायब जो डॉक्टर थे, लगभग 700 लोगों पर कार्रवाई की गई और एक साथ कैबिनेट में 80 लोगों के करीब डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया। तो हमारी सरकार कार्रवाई भी कर रही है, सुनवाई भी कर रही है और साथ ही साथ डॉक्टरों की कमी ना हो उसके लिए डॉक्टरों की बहाली की प्रक्रिया भी साथ ही साथ जो है वो चल रहा है, तो लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि हम तो चाहते हैं डॉक्टर रहे, इसलिए हम लोग जो है होम डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर को मिले ताकि लोग जो है कम से कम अपने अज्ञान रहेंगे अपने जिला में तो वहाँ अस्पताल में जाए। साथ ही साथ कल ही कैबिनेट में हम लोगों ने जो ANM जो नर्सेस थी उनका हम लोगों ने स्टेट कैडर बनाया है ताकि बेचारी महिला जो है नर्सेस जो है अपने घर से बाहर ना जा पाए, अपने ही जिला में रह करके काम करे। तो इस सब दिशा पे काम चल रहा है। आप रहिएगा देखिएगा ना, तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में तेजस्वी यादव ने रक्त केंद्र का यानी ब्लड बैंक का उद्घाटन किया है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी अस्पताल के लिए जहां ब्लड बैंक की सुविधा जो है वो मुहैया हो मरीजों के लिए। और खुद तेजस्वी यादव जो सूबा के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पहुंचे और इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, नकारात्मक तक कह दिया है भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।